प्रेस लॉर्ड आज शाम को आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को मिलके बहुत खुश लग रहा है और सब दिख रहे हैं ठंडी के कारण जैकेट पहन के शॉल पहन के परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं इसको देख के बहुत खुशी लग रहा है और प्रभु को बहुत धन्यवाद प्रशंसा हो आज हमारा तीसरा दिन का आखिरी सत्र है और विश्व भर में ये ऑनलाइन वर्ल्ड सेल कॉन्फ्रेंस के द्वारा चार लाख पचास हजार काउंसिल प्रेसिडेंट अनेक डिनोमिनेशन डॉक्टर से कोई भी क्यों ना हो हमारे साथ ऑनलाइन सेल में जुड़े हुए हैं और भले ही दुनिया में हम एक साथ अभी बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम देख पा रहे हैं और लोग भी हमें देख रहे हैं इसलिए अनुरोध करते हैं कि आप अपना वीडियो खोलें और अपना सुंदर चेहरा को प्रभु का स्तुति प्रशंसा करके हम का वचन को भी सुनेंगे और रेवरेंड डॉक्टर जेम्स ओएस पार्क 2017 में ऑनलाइन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस शुरू की है तो जैसा कि लू का चौबीस का सैतालीस में लिखा है कि यरूशलेम से लेकर जगत के अंत तक मन फिरावा और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा इस विशेष कारण को लेके कि कैसे हमारे पाप भीष्मी के लहू के तरह दो हजार साल पहले ईष्मी क्रूस पे समाप्त कर दिए हैं इन बातों को घोषणा करने के लिए ये मन फिरावा की प्रचार के प्रसंग को रेवरेंड डॉक्टर जेम्स वो एस प्रचार कर रहे हैं हमारा बाइबल हमारा डूबन प्रभुज ये सब एक है परंतु छोटी छोटी बातों को हम केंद्र बना के पकड़ लिए हैं तो अनेक डिनोमिनेशन बन गए इसलिए अगर हमें डॉक्टर और डिनोमिनेशन से निकलते हैं तो हमारा सब हम सब एक हो जाते हैं कलिशिया के मस्तक ईश्व है इसलिए हम उस कलिशिया उस कलिशिया के हम एक एक अंग है जिसका मस्तक इश्यू है और इस महामारी के दौरान हम जब देख रहे हैं पूरी दुनिया निराशा में है और चर्च भी बंद है अनेक परिस्थितियां भी हैं और पहली बार जब कोरोना हुआ तब तो ये सोच आया कि अभी हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकते चर्च को नहीं जा सकते तो कैसे होगा लेकिन डॉक्टर जेम्स पार्क ने कहा कि जब कभी मुश्किलें प्रभु दिए हैं उसके पीछे परमेश्वर का इच्छा रोदेश है और इस बार ऑनलाइन ईस्टर सर्विस जब हुआ था उसमें कितना करोड़ लोग जूम के माध्यम से योगदान दिए तब पास्टर को पता चला ये परमेश्वर का इच्छा है सुषमाचल को प्रचार कराने के लिए एक दिन भी हम जो प्रचार करते हैं अनेक लोग सुन रहे हैं इसलिए ऑनलाइन बाइबल सेमिनार जूम सर्विस फेसबुक इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्क फिर अन्य ब्रॉडकास्टिंग मेथड तो से जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम परमेश्वर का वचन को प्रचार करेंगे और मई में महीने में तो सिटीएन और रशिया का टी ऐसा अनेक क्रिश्चियन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क जो सिन करके अमेरिका में जो टीवी चैनल है उसमें रेवरेंट डॉक्टर जेम्स पाक जी के योहन्ना के और व्याख्यान वो लोग प्रसारण करते हैं और जिनका सब्सक्राइबर 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और प्रभु ने जैसा यूसुफ़ को अनेक भोजन दे के उन्हें चलाए और इस युग में भी सौ करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऑनलाइन बाइबल सेमिनार में योगदान दे पाए अक्टूबर महीने में दो सौ अठहत्तर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में वो ब्रॉडकास्टिंग हुआ था और 90 मिनट से भी ज्यादा सरवन को 8 सरवन को चार दिन में लोग वचन को सुने और वर्तमान भी अनेक टीवी चैनल में भारत में केवल 75 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में यह प्रसारण हो रहा था रहा है और पश्चर का वचन टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है इसलिए उत्पत्ति से आज तक मनी नहीं सोचता हूँ कि 200 कोटी लोग परमेश्वर का वचन को एक समय में सुन पा रहे होंगे मैं क्यों गर्भी हूं तो इसलिए अभी भी आप खाली ना बैठे अपना तो आप अनेक लोगों का भी कॉल करके अभी भी लिंक बांटी है Invite Kiji Anilong Kole Karayenge, or Reverend Dr. James West Park J. Kedwara, America May Goodness Theology School, Visruhua, or Jinke Madhemse online Mayanic Theology School, May Baglere, I have video the Theology schools were established to prepare people to preach the clear gospel of Jesus Christ. They were designed to teach the truths of the Bible and to build an unwavering faith in God. However, as time has passed, Theological institutions found themselves placing the thoughts of man above the Word of God. It's time to look past rigid and theory centric theological curricula and return to a true study of the Bible that will instill faith in our hearts and strengthen our spirits. Good News Theology School offers practical, flexible, and affordable systematic study of the Word through insightful lectures, engaging student led projects. And heart to heart fellowship with classmates and professors alike. Good News Theology School is where future servants of the gospel learn how to preach the light of Jesus Christ to those who are stuck in sin and despair. Register today and become a missionary of Christ, no matter where you are. In the last June, the online CLF World Conference, परमेश्वर की वचन की ओर वापस आ सके दुनिया भर में एक महान जागृति की चिंगारी फैल रही है अब समय आ गया है कि मसीह नेता अपने सिद्धांत या संप्रदाय की परवाह किए बिना वचन के साथ एक हो जाए और आज की समस्याओं और कल की चुनौतियों को दूर करे हमें उस निराशजनक भविष्य को दूर करना होगा जहाँ युवा चर्च छोड़ते हैं हमें उस धर्म निरपेक्षता को दूर करना चाहिए जो कलीसिया को भ्रष्ट कर रही है हमें आर्थिक कठिनाइयों और हमारी मंडली के सदस्य को परेशान करने वाली समस्याओं को छलांग करना होगा सी एक क्रॉस डिनोमिनेशन कॉन्फ्रेंस है जो मसीह नेताओं को वचन में परमेश्वर की मन की खोज करने के लिए अगुवाई करता है सी एल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और मसीह नेताओं के बीच विश्वास की संगति के वचन प्रचार आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेंगे अब डरने का समय नहीं है यह विश्वास से उभरने का समय है एक दिसंबर से चार दिसंबर तक होने वाले वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े अधिक जानकारी के लिए clfusa.org पर जाएं। पूरी दुनिया को सुसमाचार से ढापने वाली इस विश्व संगति से जुड़े ये सी को शुरू करने से पहले आइए अभी हम प्रार्थना के समय में हम जाएंगे हमारे बीच में रेवरेंड एन आनंद जी हैं और गजपति में सीनियर पास्टर हैं ग्रेस चर्च के और आज प्रार्थना समस्था करेंगे तो आप सभी को नमस्कार आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए ये तीसरा दिन में प्रभु आप हमें लेकर आए हैं कि अभी छठा सत्र पे हम आए हैं और दुनिया भर के क्रिश्चियन लीडर्स को आप सब इस बार में अनेक लोगों को बदल रहे हैं और हम जब इस वचनों को हम सुन रहे हैं प्रभु आप हमारे हृदय को वचन के द्वारा प्रतिफलित करके आप चला रहे हैं हम जब अपने आप को देखते हैं पिता हम अपनी सेवकाई में भी जब ओ... पत्र जब अपने आप को विश्वास करता है तो विनाश की ओर जाता है और दुष्ट किसान लोग वो भी उनके पास कुछ भी नहीं था वो मजदूरी करके जीने वाले लोग थे परंतु जब मालिक उन्हें अपना दाग की बारी को भाग में देता है वो लोग शुरू से तो धन्यवादित थे परंतु धीरे धीरे उनके हृदय में भी वो अपने आवाज़ को विश्वास करने लगे और सोचने लगे कि इसको हमें करना चाहिए इस प्रकार के वो मालिक को भी मार देते हैं और उस जमीन को अपना बनाना चाहते हैं परमेश्वर हम जब देखते हैं हमारे हृदय में जब हम अपने आप को विश्वास करने का जीवन को लेके जीते हैं तो हम विनाश हो रहे हैं प्रभु आपको विश्वास करके जब आत्मिक मार्ग पे हम चलाए जाते हैं धर्म के मार्ग पर हम चले जाते हैं तब हम देख पाते हैं प्रभु दाऊद की तरह भले वो जवान बालक ही था परंतु वो उससे भी बड़ा गोलियात को उन्होंने मारा और विश्वास के द्वारा इस कोरोना महामारी के दौरान भिन्न भिन्न संकट भिन्न भिन्न कष्ट पीड़ा इन सब चीज़ों से चारों तरफ हम जब देख रहे हैं तो सीएलएफ के और माध्यम से आप हमें खुशी और आनंद को दे रहे हैं ताकि हम परमेश्वर को विश्वास करके हम हर बात में प्रवेश कर सकें और पत्र से के बारे में हम जो वचन को भी सुने वो अपने आप को एक बड़ा महान विश्वस्त चेला समझ रहा था परंतु एक समय आता है कि वह अपने सोच के द्वारा चलाए जाता है और शैतान के द्वारा ठगा जाता है और जब वो यीशु को तीन बार इनकार करता है तो शैतान उनके हृदय में लगातार काम करता है और कहता है कि तू पाप किया तू यीशु को तीन बार इनकार किया तेरा कोई योग्यता नहीं यीशु का चेला बनने के लिए इस प्रकार के वो चले तो जाता है शिवकाई को छोड़ भी देता है और इसमें से प्रेम को सब भूल के जब जाता है तब तो हम देख पा रहे हैं पिता शैतान कैसे लगातार काम करते रहता है परंतु प्रभु आप पुनर्थित होकर उसे जब मिलने जाते हैं आप उन्हें कहते हैं कि पतरस तो मुझे प्रेम करता है तू तो मेरे भेड़ों को चरा शैतान काम भी किया है परंतु परमेश्वर का प्रेम शैतान की हर एक बात को जिता दिया इसी प्रकार प्रभु आपने हमें प्रेम दिए और हर एक बातों को जिता दिए और यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसी प्रकार परमेश्वर पतरस भी जन्म से लंगड़ा को भीख मांगते हुए देखकर क्या कहता है मेरे पास ना सोना और चांदी है ना श्री यश्मी के नाम से तुम उठो और चलो प्रभु हम देख पा रहे हैं वो एक चीज को पाया कि वो विश्वास किया है कि मेरे साथ यशु है मेरे साथ प्रभु है मेरे साथ उधार करता है और हम जीवन के मार्ग हम हमारे गलती तो करते हैं और हमारे किए हुए पापों को दिखाकर शैतान तो हमें धोखा देता है दोष लगाता है परंतु प्रभु आपने प्रेम के द्वारा पवित्र किए हैं धर्मी किए हैं और कहते हैं कि तू विश्वास कर मैं तेरे साथ हूँ जीवन में काम करूंगा और पत्रस के जीवन में प्रभु आपने काम किए वो एक व्यक्ति था जो आपको इनकार किया था फिर भी प्रभु जब वो परमेश्वर को विश्वास करता है कि मेरे साथ प्रभु है मेरे पास ना सोना है ना चांदी है पर नाश्री इस समस्या के नाम से तुम उठो और चलो तब तो वो उठ के चलता है प्रभु अनुग्रह दीजिए कि इस बार भी भी आपके सेवक लोग अनेक पाप किए हैं हम भी किए हैं परंतु प्रभु आप हमारे सारे पापों को ईश्वर के लोह के द्वारा धो दिए इसलिए कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे जीवन में काम करूंगा मैं तेरे साथ होके काम करूंगा तो सुषमाचार प्रचार कर और मेरा दया प्रेम और अनुग्रह को तो प्रचार कर मैं सारे जगत को उधर के लिए प्राश्चित का बलिदान दिया हूँ प्रभु इस बार इसलिए हमारे सारे मन एक हो के हम जी पाए इसलिए आप अनुग्रह दीजिए सारे बातों के लिए धन्यवाद देकर प्रभु ईश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं आमेन बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ अनाउंसमेंट मैं देना चाहूँगा ये ऑनलाइन 2020 वर्ल्ड कैंप एक तारीख से हमारा शुरू हुआ है और मंगलवार से ये शुरू हुआ है और चलता रहेगा आने वाले शुक्रवार तक यानी कि कल शाम को आखिरी सत्र होगा और आज तीसरा दिन का अंतिम श्रमन है और हम और दो सेशन में हम वचन सुन रहेंगे हम हर दिन दो दो बार सुनते थे सुबह सात बजे और शाम को सुबह सात बजे और शाम को साढ़े छः बजे आप कृपया उसमें ज़ूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए और 2020 का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कल शाम को समाप्त होगा और आपको हम अनुरोध करते हैं कि ऑनलाइन योगदान में ऑनलाइन प्रोग्राम में योगदान देते समय आप लोग भी बहुत सुंदर दिखते हैं और एक अनुरोध है अपना अपना डिवाइस में आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप सब दिखाई दें कृपया अपना और हर एक डिवाइस से आप का वचन को सुने और फिर हमारा एकेडमीज चलते हैं सुबह भी तीन एकेडमी से दोपहर को भी तीन अकेडमी से जो कि यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से मिलेगा जो यहाँ स्क्रीन पे दिखता है वो सब आप देख सकते हैं फिर शाम को ऑनलाइन मेन सेशन का जूम खत्म होने के बाद फिर 9 से 10 और 10 से 11 तक एकेडमीज के क्लासेस भी हैं जो यूट्यूब में आप सुन पाएंगे एकेडमीज क्लासेस में प्रिजन मिनिस्ट्री चर्च यूथ मिनिस्ट्री सक्सेसफुल मिनिस्ट्री क्रिश्चियन माइंड एजुकेशन ऐसा अनेक और अनंत छुटकारा के बारे में भी है चर्च इतिहास भी है ये विशेष प्रभु के सेवक लोग जो कि प्रभु के आत्मा के द्वारा ये शर्मन को रिकॉर्ड किए हैं कि ताकि उड़ीसा और सेंट्रल ईस्ट इंडिया और पूरे भारत के सभी कलेशिया इसके द्वारा उपकृत हुए और प्रभु के सेवक लोग भी उपकार पाएं इसलिए इस प्रकार अकेडमिक क्लासेस बनाए गए हैं भिन्न भिन्न शीर्षक पर और जी एस ओडिया फेसबुक पेज में ओडिया में यूट्यूब में भी जी बी एस ओडिया है ओडिया में सुनने के लिए परंतु हिंदी के लिए ई सी जी एम टी वी भी है सी आई इंडिया सी एल एफ हिंदी क्रिस्टियन लीडर्स फेलोशिप हिंदी और जी बी एस इंडिया जी बी एस हिंदी ऐसे हिंदी में आप सुन पाएंगे और अगर आप लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का ऑप्शन समस्या होता है तो आप जूम अपडेट कीजिएगा और निश्चित रूप से सुन पाएंगे और अभी ग्रासस को से ही प्रमुख स्तुति करने का समय है ग्रासस मतलब स्पेनिश शब्द है और जो धन्यवाद कहलाता है और कब धन्यवादित होते हैं हम हमारे दिल में प्रभु का मन से हम धन्यवादित हैं और पाप क्षमा पाते हैं ये सच्चा खुशी और सच्चा आनंद है इसलिए जो है उधर पाने के बाद ईसम सी के लहू के द्वारा वो सिर्फ सुषमाचल के लिए गीत गा रहे हैं और धरती के हर एक क्षेत्र में सौ से भी ज्यादा देशों में घूम घूम के उन्होंने परमेश्वर का सुषमादर का फसर के का काम की करते आए हैं और दुनिया में वो मशहूर हैं तो उनके सामने अनेक लोगों का हृदय खोल जाता है वो कोई लिरिक्स दे के या खाता कॉपी दे के नहीं गा रहे हैं लेकिन सारे गीतों को पूरा हृदय से गाते हैं याद करके गाते हैं और विश्व के सबसे मशहूर और बेस्ट क्वायर हैं और को को हम स्वागत करेंगे जिन्होंने तीन गीतों को प्रस्तुत किए हैं आय ब्रादर ऑफ जीजस प्रेज द लॉर्ड एंड सॉन्ग तालियों के साथ स्वागत करेंगे

का गीतों को उन्होंने हमें सुनाया और हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के सामने नम्र हो जाए और स्वतंत्र हो जाए और अभी यह अनाउंसमेंट है इंटरप्रिटेशन के बारे में जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं आप इंटरप्रिटेशन रूम में इंग्लिश में सिलेक्ट करके आप इंग्लिश में सुन सकते हैं और हिंदी में सुनने के लिए भी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में जाके जूम में आप हिंदी सिलेक्ट करके ओरिजिनल ऑडियो को म्यूट करके आप डाउन बटन को दबाएंगे तो आपको सुनाई देगा छत्तीसगढ़ी के लिए जर्मन सिलेक्ट कीजिए सांताली के लिए स्पैनिश सिलेक्ट कीजिए फिर अन्य भाषाओं को अपने अपने भाषा में उड़िया तो मेन रूम में होगा और सादरी के लिए सादरी, सौरा के लिए सौरा कुई में कुई, शांताली के लिए शांताली आप लड़ करके आप अपने सुविधा के अनुसार आप चुन सकते हैं तो कल भी सुबह छः पचास को होगा आपकी सुविधा के लिए हमने ये समय को बदल दिए हैं कि आप शाम के सारे दोस्तों को शाम के प्रोग्राम के लिए इनवाइट कीजिए ताकि सब कोई सुन पाएं और कृपया वीडियो ऑन करके आपस में देखते हुए हम सुनेंगे और यदि आप ग्रुप में सुन रहे हैं तो वे बहुत अच्छा है और अगर व्यक्तिगत रूप से अगर सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा है और फ़ोन को पास में अपना चेहरा दिखने जैसा बैठ के सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा तो आइए अभी देर ना करते हुए सी के फाउंडर रेवरेंड डॉक्टर जेम्स एम जी को तालियों के साथ स्वागत करेंगे और परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे शनिका हाँ सभी को नमस्ते परमेश्वर के अनुग्रह से इतने मूल्यवान सेमिनार को हम कर पा रहे इसलिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ मैं आप लोगों से तो बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ लेकिन उन सारी बातों का जो केंद्र है वो यीशु मसीह है बहुत सारे लोग पाप से छुटकारा पाकर स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए काम कर सकने वाला केवल यीशु मसीह ही है तो आज हम थोड़ी ऐसी बातें बोलने वाले हैं आज निर्गमन के बारह अध्याय के एक से लेकर चौदह वचन तक हम पढ़ेंगे निर्गमन के बारह अध्याय के एक वचन से मैं पढ़ूंगा फिर ने मिस्र देश में मूसा और हरुण से कहा 이달로 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 예, 맨아, <놀람> 너희는 이스라엘 해 중에 거하여 이르라 이달 열흘에 너희 매인이 어린 양을 치할지니 각 가족들 그 식구를 어린 양을 치하되 इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो इसी महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो और यदि किसी के में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों से लेना या चाहे बकरियों में 간직하였다가 और इस महीने के चौदहवे दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन अगोधिली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों आलंगनों और चौखटों के सिरे पर लगाए पूरे मुल्का भक्त है और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए 난로나 물에 삶아서는 먹지 말고 머리와 전가요 내장을 네다 불에 구워 먹고 스케페어디 남겨 두지 말며 아침에 남은 것은 스와는 그것을 이렇게 먹을니허리에 띠를 띠고 팔에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 커피 먹어라 이것이 여와의

क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलोटे को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा मैं यहोवा हूँ और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए उन्नीस सौ बासठ में बाइबल पढ़ते हुए मैंने एक बात को बहुत सटीकता से जान ली कि कैसे यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप धोए गए हैं और उसके बाद में मैंने सोचा 하나님이 인간에게 뭘 해주고 싶으실까? परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या करना चाहता होगा यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया है लेकिन बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते तो वो इसे प्रचार करना चाहता होगा तो मुझे तो पता नहीं था कि मैं कैसे काम करूं, लेकिन ये काम करने से परमेश्वर प्रसन्न हो गए जान सका और परमेश्वर ने मुझे, मुझे मिशनरी स्कूल में जाने के लिए भी मार्ग खोला और मुझे वहाँ से पर चलाया में मेरा बेटा पैदा हुआ मेरे परिवार में जो साल होता है उसे बहुत ही सटीकता से पालन करते हैं मैं 1944 में पैदा हुआ।, हुआ और मेरा बेटा जो है 1974 में पैदा हुआ और फिर मेरा पोता जो है वो 2004 में पैदा हुआ 30 सालों का ऐसा फर्क है बराबर और हम सब के सब जुलाई में पैदा हुए हैं। हमने वादा बहुत ही पक्का पालन किया है तो उन्नीस सौ चौरातर में जब मेरा बेटा जन्मा वो उसी साल में मेरे पिताजी गुजर गए दुनिया छोड़ के गएगा तो जिस दिन मेरे पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए तो सुबह से बहुत सारे मेहमान आए थे और मुझे वहां पर पूरे दिन भर रहना पड़ा रात को 11 बजे सारे मेहमान फिर चले गए तो फिर बाहर गया और पीछे के आंगन में चला गया आसमान में तारे चमक रहे थे बहुत ही अंधेरी भरी रात थी का, आमु पंपा, आमु पंपा बुरु बुरु मैंने तो अंतिम संस्कार के वो वस्त्र पहने थे इसलिए जमीन पर ही मैं घुटने भी टेक सका मेरे मन में मैं परमेश्वर के प्रति इतना कभी धन्यवादित हुआ नहीं था

बहुत बुरा बेटा हूँ तो मैंने भले बड़े भाई को नहीं बताया लेकिन नहीं नहीं तो, नहीं नहीं तो जब मेरा बड़ा भाई कह रहा था कि मैं एक बुरा बेटा हूँ बुरा बेटा हूँ तब मैं मेरे मन में कह रहा था कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ अच्छा बेटा हूँ जब मेरे पिताजी गुजर गए उनकी उम्र सत्तर साल की थी और मैंने पापों के क्षमा के बाद में हमारे पिताजी जो थे ना वो हमें किसी से भी ज्यादा प्यार करते थे तो मतलब मेरे पिताजी के बारे में तो सारी बातें तो मैं नहीं बोल सकता और फिर मैं एक सुसमाचार प्रचारक बन गया बहुत सारे लोगों को मैंने सुसमाचार प्रचार किया में में लेकिन उनके बीच में से कुछ लोग हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता हम एक ऐसी बुजुर्ग औरत थी जिनको मैंने उद्धार पाने के बाद पहली बार सुसमाचार प्रचार किया अब कोकदोंग के बहन सोन अलसन हैं। वो तो नाई का हन 24 साल तो मानो चंदन्दे। उनकी उम्र मुझसे 24 साल ज्यादा थी। चम्मल, चम्मल कुबुन ने का चम बोगम ले कुम्बा नमु नमु की तो सच में मेरे सुसमाचार प्रचार करने से पहली बार उन्होंने सुनकर इसे उद्धार पाए व्यक्ति थे तो मैं बहुत खुश था धन्यवाद था वो तो दस साल पहले ही गुजर चुके हैं लेकिन जो खुशी वो उन्होंने मुझे दी बहुत बड़ी थी तो मैं जब मिशनरी स्कूल में था मैं चाहता था कि मैं सुसमाचार प्रचार कर लोग उद्धार पाए। लेकिन एक भी नहीं था हम मान न एक दिन मैं एक बहुत ही शांत जवान लड़के से मिला पूरी शनिवार की दोपहर भर मैंने सुसमाचार के बारे में बताया लेकिन उसने उधार नहीं पाया वो बस ऐसे ही चला गया तो में और अगले दिन सुबह सभा का समय था और गवाही के समय में ये लड़का आगे गया तो मैं हुआ कि, हाँ, मैंने प्रचार करने के बाद में शायद से घर जाकर बहुत सोचे, इसने इसलिए पा लिया तो भाई ने आकर क्या गवाई दी, तो ने क्या गवाई दी? कल मैं पा पार्क भाई से चार घंटे तक वचन सुना हूँ बस सर दर्द हो रहा था क्या कह रहा है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था घर वापस जाते जाते एक दूसरे भाई से मैं मिला मैंने और पांच मिनट में मैंने उद्धार पाया मुझे बहुत नफरत हो रही थी सच में मैं एक व्यक्ति को तो सुसमाचार की ओर चलाना चाहता था लेकिन मैंने आप को सोन ये बहन को सुसमाचार प्रचार किया वो ऐसे है कि जिनको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता उन्होंने उधार पाया और बदलाव पाया सारे उनके द्वारा बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया और उसके बाद में जिनको मैंने सुसमाचार प्रचार किया सुचार उनमें से बहुत सारे से राष्ट्रपतियों ने भी उद्धार पाया राजाओं ने भी उद्धार पाया बहुत सारे पास लोगों ने उद्धार पाया ऐसे बहुत मैं गिन नहीं सकता लेकिन सबसे ज्यादा जिनको याद रखता वो मेरे पिताजी हैं। 하나님께서 아버지께 복음을 전하려고 제가 한 번씩 고향에 가면. तो जब मैं मेरे पिताजी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए कभी कभार गांव जाता था तो वो यू कहते, कहते थे चिंता मत करो मैं इस पर विश्वास करूंगा बोमे अगले सार के वसंत ऋतु में विश्वास करूंगा क्यूँ पिताजी अगले साल के वसंत ऋतु तक तो रुकते है नहीं अगले साल के वसंत ऋतु में मेरे दोस्त के साठवा जन्मदिन है हम तो बचपन से दोस्त थे तो पार्टी में नहीं जाऊंगा तो मैं गाली सुनूंगा तो वहाँ जाकर शराब पीकर। उसकी उसको बधाई देकर और उसके बाद मैं शराब भी छोड़ दूंगा और यीशु पर विश्वास करूंगा तो पिताजी के लिए मैं कुछ नहीं कर पाता था तो जब मैं वसंत वसंतु में जाता था तो वो कहते अगले पतझड़ पतझड़ में में तो में क्यों पिताजी हैं नहीं अगले पतझड़ में मेरे दोस्त के बेटे की शादी है मुझे जाना ही पड़ेगा तो पिताजी को उनके दोस्त इतने बहुत पसंद थे तो सच में दोस्तों के साथ में उनका नाता बहुत अच्छा था

थे तो मेरे जो चाचा है वो जापान में हिरोशिमा में सिविल इंजीनियरिंग का काम करते थे और बहुत पैसे कमाते थे तो एक दिन मेरे बड़े भाई ने कहा चाचा जी मैं घर बांधना चाहता हूँ क्या आप मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकते हैं तो मेरे चाचा जापान में रहकर पूरे जापानीज जैसे बन गए थे 보통 한국 그러냐 내가 뭐 많이 좀 도와줄게 तो कुरियन लोग क्या कहते है? ठीक है ऐसा है क्या मैं ज्यादा तो नहीं थोड़ी बहुत मदद करूंगा लेकिन मेरे जापान के चाचा जी ने ऐसा नहीं कहा नहीं मैं तेरी मदद नहीं कर सकता बहुत ही सख्ती से उन्होंने काट दिया और मैं सुन रहा था बगल में तो मतलब भाई को कितना बुरा लगा हुआ ऐसा मैं सोच रहा था लेकिन चाचा जी ने कहा

जापान में जो कमाई थी वो दस गुना ज्यादा थी कोरिया के मुकाबले तो अगर महीने के लिए काम करते थे तो घर बांधने लायक पैसे मिल जाते थे तो इसलिए मेरे भाई ने जापान जाने के लिए तय किया, लिए किया। तो जब वो जापान में गए तो ऐसे ही नहीं गए से मेरे साथ चर्चा की जब मैं जापान में जा रहा हूँ तो तब तक तू पिताजी को अपने पास में रखना हाँ भाई ठीक है अच्छा है कब मैं मेरे पिताजी के साथ में रह पाऊंगा तो मतलब उस समय में हमने देगू में बस चर्च की शुरुआत की थी कमरा भी इतना ज्यादा नहीं दे से बहुत मुश्किल थी लेकिन तो लेकिन मैं पिताजी के साथ में थोड़ा रहना चाहता था और फिर पिताजी मेरे घर पर आए देगू में फादो की जगह पर चाइनीज एक रेस्टोरेंट के दूसरी मंजिल पर यह था तो वहाँ पर हमारा छोटा सा चर्च था तो पिताजी को मैं वहाँ पर हमारे साथ में रखने लगा तो पिताजी के साथ में रहते हुए उनकी सेहत के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान सका से। तो मेरे पिताजी को पेट का अल्सर हुआ था उनके पेट से ऐसे एसिड निकलते थे उसके उनके पेट की जो दीवार थी उसको बहुत पतला बना दिया था इसलिए उनके पेट के अंदर बहुत ही खून बहता था में। जब उनका हीमोग्लोबिन जाचा जाता था आठ दशमलव पांच ऐसा होता था आमतौर पर हेमोग्लोबिन अच्छा होने की मात्रा तेरह होती है लेकिन आठ दशमलव पास मतलब और खराब होती थी तब तो छह तक गिर जाता था तब तो उनको खून चढ़ाना पड़ता था, so, बोलते, था, था तो इसलिए मेरे पिताजी को देखते हुए ऐसा मन आया कि ये ज्यादा लंबा समय जी नहीं पाएंगे जी तो अगर मेरे बुजुर्ग पिताजी गुजर जाते हैं तो

तो उस समय छह महीने के लिए पिताजी मेरे घर पर थे इस बात के लिए बहुत धन्यवाद था तो एक दिन ऐसा लगा कि पिताजी और ज्यादा जी नहीं पाएंगे कुछ महीने तो ही जिंदा रह पाएंगे ऐसा लगा और पिताजी के साथ में रहते हुए मैं पास्टर हूँ माना दे तो अगर वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे तो मेरे मन में कितना दर्द होगा लेकिन पिताजी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं उनके मन के लिए अगला दिन था सुबह सुबह का समय था और पिताजी ने मुझे बुलाया मेरी बेटी का नाम उनसुक उन तो जब मेरे पिताजी मुझे बुलाते थे, के पिताजी हो क्या? ऐसे बुला थे. मैंने कहा हाँ पिताजी तो मैं पिताजी के कमरे में गया अभी उस दिन पिताजी ऐसे लेटे हुए थे और जब मैं अंदर गया तो उठकर वो बैठ गए और मतलब कुछ तो बोलने के लिए वो ऐसे उठे थे और फिर उन्होंने उल्टी की आश्चर्यचकित हो गया मैं उनके मुंह से वो खून की उल्टी करने लग गए जिंदगी में पहली बार ऐसा देख रहा था मैं कितना चकित हो गया तो मेरी पत्नी बहुत रो रही थी तो वो दृश्य को देखकर मेरे पिताजी मैं और मेरी पत्नी हम तीनों ने एक ही बात सोची 아, ये, ये मेरे पिताजी का आखिरी समय है यही बात सोची हमने 자는 응응 울면서 피를 다 닦아냈어. 메리 밧니 बहुत रो रही थी और उसने खून को साफ किया. 에 요에다가 아버지 시신 높여 어 베다지 को एक नई बेडशीट डालकर वहां पर लिटा दिया. 할 말이 없는 거야. और फिर बोलने के लिए कुछ था ही नहीं मैंने पिताजी से पूछा पिताजी आप ठीक हो ना कर हाँ ठीक हूँ मैं तो मैंने उनसे कहा अब, पिताजी बड़े भाई भी यहाँ पर नहीं है अगर पिताजी आप गुजर जाते हैं तो जब हमें आपकी याद आएगी पिताजी कम से कम आपकी ऐसी आवाज तो सुनना चाहेंगे तो पिताजी मेरे पास में ये टेप रिकॉर्डर है तो अगर आप जो हमसे बोलना चाहते हो बोलेंगे तो आपके गुजर जाने के बाद आपके यादगार उस दिन में या जब भी हम सबको आपकी याद आएगी हम परिवार वाले इकट्ठा होकर आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे तो पिताजी जो आप बोलना चाहते हैं अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको रिकॉर्ड करके रखूंगा तो इसलिए अगर आप ठीक हो तो आप जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो पिताजी लेट कर ऐसे आसमान की ओर देख रहे थे अच्छी बात है मैं भी तुम लोगों से बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ पिताजी एक घंटे के लिए 몰랐던 이야기도 하시고, 마음의 이야기를 उन्होंने कई सारे ऐसे बातें बोली जो हम नहीं जानते थे उनकी मन की बातें सब बोल दी वो तो फिर वो तो उनके आखिरी शब्द थे ना हाँ, अच्छा तो आखिर में उन्होंने क्या कहा 만일에 내가 죽거든 아까 말은가 뭐~ 재산이나땅몇마지기 뭐~ 집 있고 이런 거 가지고 서로 다투지 마 말이 돌이버즈 에그리고이네좀내 몸에 옷을 갈아입힐 사람은 서당마을에 김 씨를 불러라. और फिर मेरे शरीर पर से कपड़े पहनाने वाला जो है ये सिस के मिस्टर बुलाओ चाल जो नारे नारे तो बचपन से मैंने उनकी बहुत देखभाल की इसलिए वो मुझे छूते हुए गंदा नहीं मानेंगे और फिर मुझे गाड़ने के लिए वहाँ पर पहाड़ के पीछे तुम्हारे माँ के कबर के नजदीक में अच्छी जगह वहाँ पर गाड़ देना इस प्रकार से उन्होंने उनके आखिरी शब्द खत्म किए मैंने बहुत सावधानी से पिताजी से एक सवाल पूछा तो पिताजी अगर आप गुजर जाओगे तो जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही आपके साथ में करेंगे पिताजी आपके शरीर के साथ तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे

कि स्वर्ग के राज्य में हम हमारे कर्मों से नहीं जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से ये शु की से स्वर्ग के राज्य में जाते हैं दूसरी बात जिसके लिए मैं धन्यवाद था कि मैं एक पास्टर बना हूँ स्वर्ग में जाने के विषय में बहुत अच्छे से बता सकता है उसके प्रति मैं बहुत खुश था तो पिताजी बस लेटे हुए थे और लगभग दो घंटे के लिए प्रचार किया पिताजी हम हमारे कुछ अच्छे और भले कामों से स्वर्ग में नहीं जाते हैं हमने सब में पाप है इसलिए हमने नाश ही होना चाहिए था में को ए, लेकिन ये इसलिए विश्वास के द्वारा हम पापों की क्षमा पाते हैं इस बात को मैंने उनको बहुत ही ध्यान से समझा कर बताया बहुत अद्भुत बात क्या है मेरे पिताजी ने इस बात पर विश्वास किया मेरे आंखों से आंसू निकल इतना मैं धन्यवाद हुआ मैं, पिताजी अकेले बात कर रहे थे परमेश्वर यीशु धन्यवाद मेरे सारे पापों को आपने क्रूस पर के लहू से धो दिया धन्यवाद तो अकेले ही पिताजी ऐसे बोल रहे थे अब तो पिताजी भी पापा क्षमा पाकर बहुत खुश हुए हैं जी क्यों है हम ना ना वो मान। जी एक बार भी चर्च नहीं गए थे आ, जी जी आने क्यों है तो मतलब मैं जब देगू में था तो हम ही चर्च में ही थे तो वो चर्च में ही रह रहे थे जी का का। लेकिन उस दिन से मेरे पिताजी बदल गए जिंदगी में ऐसी बातें कभी नहीं बोली थी वैसी बातें बोलने लगे आ,

तुम तो मेरे लिए कुछ स्तुति के गीत गा सकते हो का पिताजी ऐसा कहेंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था से पिताजी उद्धार पाने के बाद पूरे नए व्यक्ति बन गए तो हम भी आज सुबह के स्तुति के गीत गा रहे थे और सुबह नाश्ता करने के बाद मेरे पिताजी ने कहा दुगु, दुगु, दुगु दुगु और ये 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 कुछ लोगों का नाम उन्होंने मरने से पहले उनसे मिलना चाहता तो थोड़ा उनको बुलाओ तो इसलिए मैं मेरे पिताजी के दोस्तों को लेकर आया पिताजी लेट कर बातें कर रहे थे क्या तुम थोड़ा शराब पीने के लगा सकते हो तो इसलिए शराब के टेबल लगाया तुम भी एक गिलास पी लो खाने अभी जा रहा हूँ नानन मैं उस यीशु पर विश्वास करता हूँ जिसमें मेरे छोटा बेटा अंश का पिता विश्वास करता है और मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ जाकर अच्छे-अच्छे जगह सब पकड़ के रखता हूँ तुम्हारे लिए हम तो यही संसार में पैदा हुए जिंदगी भर यही रहे हैं तो हम अब तक कितने मजे में और आनंद से जिए हैं? तो हम ही करेंगे। तो में भी वो के पिता, मेरा बेटा जो है, जिस यीशु पर विश्वास करता है उस पर विश्वास कर मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ तुम भी उसी पर विश्वास करो फिर हम स्वर्ग में मिलेंगे और हर कोई व्यक्ति हमारे रिश्तेदार जब मिलने के लिए आते थे कहते थे कि कह यीशु पर विश्वास करो था था था। और शाम को वो सो गए इतना गुर, गुरु, 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 तो अगले दिन सुबह खर्राटे मारते सो रहे थे था था। और फिर सुबह ही उनकी सांस रुक गई का का तो मैंने सोचा मेरे पिताजी स्वर्ग में जाएंगे बड़े बड़े भाई आकर हमेशा कहते मैं बुरा बेटा हूँ बुरा बेटा हूँ इतना वो दुखी हुए लेकिन मैं कह रहा था मैं एक अच्छा बेटा हूँ अच्छा बेटा हूँ पिताजी क्योंकि स्वर्ग में गए ना पिता बड़े भाई को जापान में जाना पड़ा इसलिए पिताजी मेरे साथ में रहते और तभी उसके दौरान उस स्वर्ग में जा सके धन्यवाद हु और पिताजी के गुजर जाने के एक महीने बाद था। जब मैं आंखें बंद कर रहा था पिताजी सपने में दिखते थे पिताजी स्वर्ग में गए इसलिए धन्यवाद तो मैं हुआ लेकिन पिताजी को सपने में देख के बहुत बुरा लगता था एक महीने के बाद परमेश्वर अभी मैं, मेरे पिताजी को सपने में नहीं देखना चाहता सच में मेरे पिताजी के उद्धार पाने से मैं बहुत ही खुश हुआ मेरे बड़े भाई जो थे उनके लिए एक कब्र बनाना चाहते थे मैंने कहा पिताजी यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए नहीं करेंगे तो भी चलेगा बड़े भाई ने कहा मैं जानता हूँ ये सारी चीजें बेकार की चीजें है। हैं लेकिन मैं एक बहुत ही बुरा बेटा ऐसा दिख रहा हूँ इसलिए बहुत तकलीफ में हूँ तो कम से कम ये तो करके थोड़ा कम दिखूंगा इसलिए कुछ मैं बो, बोलना मत मुझे तो मेरे बड़े भाई जो थे महीने में दो बार सुबह उठकर उस कब्र पर जाकर रोते थे मैं मेरे पिताजी स्वर्ग के राज्य में गए थे इसलिए बहुत धन्यवाद था, था और फिर मेरे सारे परिवार वालों ने उद्धार पाया जापान के चाचा जी चाची वो सब उद्धार पाए सारे मेरे चचेरे भाई लोग उद्धार पाए धन्यवादित हूँ उन्स आनंद हम जब हमारे जीवन को जीते हैं, छंका तो तो नहीं तो मतलब भले तकलीफ में हो फिर भी थोड़े समय के लिए है तो खुशी भी थोड़े समय के लिए ही है वो अगली जो दुनिया है वो तो आनंदकालिक है सच में हम बिना पापो की समाप आए अगर जाते हैं तो यीशु ने तो मुफ्त में ही हमारे सारे पापों को धो दिया है अगर लेकिन हम अपने आप को पापी कहते हैं तो यीशु के मन में कितना दर्द होता होगा तो इसलिए हमने पापों की क्षमा पानी जरूरी है तो पापों की क्षमा पाने की ये जो कहानी है कोई ये पूरा बाइबल जो है ना इसी के बारे में बताती है बांग बांग लेकिन इस तरीके से उस तरीके से वैसे वैसे, वैसे बताया गया है आज हम निर्गमन के बारह अध्याय के फसल के पर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं आप थोड़ा सुनिए निर्गमन के बारह अध्याय के एक वचन से देखते हैं तो कैसा जाते हैं फिर यो ने मिस्र देश में मूसा और हरुण ऐसी कहाजल वो

इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो इसी महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो से आ, निर्गमन के बार अध्याय लेकर चौदह वचन तक इसका शीर्षक क्या है मेमना साजल। चार वचन में, में। और यदि के, के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना पांच वचन होगा तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक वर्ष का नर हो और जो चाहे जो से चाहे भेड़ों में से लेना या चाहे बकरियों में से लेना 6 वचन इदाळ 14일까지 간지가 해질 때에 온 해중이 이스라온 해중이 그 양을 잡 और इस महीने के चौदहवें दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे तो ये फसल के पर्व के बारे में लिखा गया है क्या तो के पर्व का मतलब क्या है? मतलब ऐसे पार कर जाना मतलब पार करना गा क्या पार करके जाएगा शराब वो मेरे पर आया लेकिन मुझे टाल कर मुझे लांग कर चला गया मतलब मुझे नहीं मार के मुझे लांग कर वो चला गया तो मृत्यु का दूध तलवार लेकर मिस्र के हर एक घर में जाकर वहाँ के जो पहलोट थे सबको मार डाल रहा था

घूमते हुए वो लोग को मारता है और तलवार लेकर लेकिन ये जी लेकिन यहाँ पर लोग को बचाने वाली चीज वो क्या है वो है मेमना है। तो मेमने को पहले तय करके तैयार करके रखे पहले महीने के चौदहवे दिन है है। पहले महीने के चौदहवें दिन में जब सूरज ढलेगा सो तो उस मेमनी को मार कर यहाँ फिर सो महत्वपूर्ण बात करेमनी का लहू ले करा कर, दरवाजों के अलांगनों और चौखटों पर लगाया जाएगा और फिर उस कमरे में रहकर उस मेमने के मांस को खाना कमर में कमर बंद बांध कर पैरों में जूते पहनकर हाथ में छड़ी पकड़कर कर फूर्ती से जाने की तैयारी करते हुए उस मेमने के मांस को खाना इसलिए परमेश्वर कहता है उस रात को मैं, मैं इस मिस्र देश में पूरा घूमूंगा और फिर मनुष्य हो या प्राणी हो जो कोई पहलोटे होंगे उनको मारने का दंड मैं दूंगा लेकिन जो लोग उस मेमने को मार कर उसके खून को जो है आलांगन और पर लगाते हैं मतलब मैं जैसे घर घर में जाकर लोगों को मारूंगा पीगा तो जिस व्यक्ति के घर के दरवाजे के लांगन और चौकट पर खून लगाया हुआ है तेरा वचन में हम पढ़ेंगे और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा बोलते ये अर्थात मैं उस लहू को देकर तुमको छोड़ जाऊंगा

दूसरे शब्द में कहे तो जो नाश और जो मृत्यु मुझ पर आनी चाहिए थी छुपो मेरे लिए मेरी जगह पर वे मेमना मारा गया उसने लहू बहा कर वो मारा गया और वो मेमना मारा गया उसके उसके दिखाने के लिए ये खून को जब अलांगन और चौखट पे लगाया जाता है तो तलवार उठा कर मारने के लिए आए वो जो दूध है जिस घर के दरवाजों के आलांगन और चौखट पे खून लगाया है छिनागा वो बस ऐसे ही पार कर जाएगा बस ऐसे छोड़ देगा उसे छोड़ देगा पार करेगा मतलब उसे छलांग करके जाएगा तो यहाँ पर विषय क्या है अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति ये विषय नहीं है आप सच में ईमानदार हो या नहीं ये नहीं है चर्च कितना गए हैं या फिर दान कितने दिए हैं कितना ज्यादा चर्च बांधे हैं

इस के के और इस घर के दरवाजे के चौखट और लांगनों पे खून लगाया है और इस घर के दरवाजे पर लहू लगाया है तो मतलब पहले कोई तो मर चुका है तो इसलिए अगले घर में जाएंगे ऐसा कहते हैं तो ओ, इस घर पर भी खून लगाया है यहाँ पर पहले मृत्यु आ चुकी है यहाँ पर खून लगाया गया है मतलब कोई तो मर चुका है और कोई दूत यहाँ आया है, मृत्यु आई है यहाँ पर तो अगले घर में जाता हूँ मिस्र देश के हर एक घर में जाते हुए दे 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 दे। तो तलवार से पहलोटो के मारने का एक बहुत ही डरावने न्याय का दिन है वो लेकिन उस लहू को देखकर जो दरवाजों के अलांगन और चौखट पर लगाया हुआ है तो वो सर दूध ऐसे तलवार निकालेगा और फिर अंदर रखेगा और अगले घर पर चला जाएगा तो सौ का पर्व है मतलब छलांग लगाना पार करके जाना तो हमारा स्वर्ग के राज्य में जाना हम भले काम करके नहीं जाते तो आज जो गलत धर्म क्या है हमें अच्छे कामों की मांग करके दूसरों की मदद करके ज्यादा प्रार्थना करके चर्च में बहुत काम करके और दान देके के ये करके वो करके ऐसा करने से स्वर्ग में जा सकते हैं उल्टा जो पाप करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग पक्का नाश होंगे सहाराम इन ज्यादा तो लोगों के पास में इसी प्रकार की विचारधारणा है तो आज बहुत सारे है। जब बशताप करते हैं है, दान देते हैं या फिर मेहनत से विश्वास करेंगे तो अगर कुछ बेहतर करेंगे तो ही स्वर्ग में जा सकते हैं ऐसा कहते हैं ऐसा नहीं है बाइबल कहती है हम कुछ करके ईश्वर के राज्य में नहीं जाते अनुग्रह से जाते हैं कौन सा अनुग्रह ये सुनी हमारे सारे पापों का दंड जो हमें मिलना चाहिए यीशु ने ले लिया क्रूस पर बाहर उस लहू को देखकर कर तो मनुष्य जो सारा पाप का दंड आना चाहिए अपने ऊपर ले मारा गया और मनुष्य का न्याय उसके ऊपर खत्म किया गया इसे विश्वास से अगर हम मन में स्वीकार करते हैं 멸망치 않고, 지나간다. 저주를 받자. तो परमेश्वर हमें नाश नहीं करता बल्कि पार करता है पिशाप नहीं देता पार करके जाता है बहुत बात क्या है? बहुत सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते कहते हुए बाइबल के असलियत को नहीं जानते हाँ मैं दशांश दादा दे के प्रार्थना ज्यादा करके पापों को सुलझा कर और ये करके वो करके प्रार्थना करके अच्छे काम करके ये करके वो करके और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें को करके क्या करते हैं तो एक तराजू है इस तरफ अगर मतलब ज्यादा भारी चीजें तो इस तरफ वो, है। तो तरफ वो आता है और इस तरफ अगर भारी होता है तो इस तरफ आता है तो अगर मैं ज्यादा अच्छे काम करता हूँ तो इस तरफ ज्यादा होगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा और बुरे काम ज्यादा करूंगा तो यहाँ पर भारी होगा और मैं नरक में जाऊंगा इस प्रकार से सोचने वाले लोग बहुत सारे हैं बाइबल में के के पर्व इसके द्वारा यहाँ पर बताएगा कि, कि आगे किस प्रकार का व्यक्ति पापों के क्षमा पाएगा और स्वर्ग में जाएगा तो इन सारी बातों का मतलब क्या है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया तो उस दिन मिस्र देश पर न्याय आने वाला था दा जा 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 हर घर में जाकर वो बड़े पहलोटो को मार रहे थे लेकिन कौन से घर में पहलोटे बच जाते हैं जिस घर के दरवाजों के लांगन और पे खून लगाया हुआ है और वो खून कैसे बनाया गया है क्या उन्हें जाकर खून कहीं से खरीदा है नहीं उनके लिए मेमना मारा गया है, यार है। जिस पापों के लिए मैंने मरना चाहिए मेरे लिए वो मेमना मारा गया और वो मेमने का लहू जो है जो मेरे लिए मरा उसका लहू वहाँ पर लगाया गया है इसलिए मेरे लिए न्याय खत्म हुआ अभी कोई मृत्यु देने की जरूरत नहीं इसलिए वो पार करके चला जाता है इसका मतलब क्या है ये यीशु मसीह को बेमनी को दर्शाता है एक दिन योना ने यीशु को देख कर कहा देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है उसने परमेश्वर का मेमना कहा क्योंकि नहीं मरने के लिए ये मेमने लहू बहाकर हमारे लिए मारा गया और फिर जिन लोगों ने उस लहू को उनके दरवाजे के अलांग चौखट पे लगाया है जब जब नाश का दूत आया तो वो बस ऐसे ही पार करके गया तो ये बात किस चीज को दर्शाती है ये मेमना जो है यीशु मसीह को दर्शाता है दूसरे शब्दों में फिर से कहूँ तो ये ने कहा शिव आनंद में देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है तो मोदन इसलिए यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए हमारे जगह पर वो क्रूस पर मारा गया और हमारे मन में फिगा यीशु मसीह का लहू लगाया गया है फिर उनसु मसीह ने जो लहू बहाया वो लहू मेरे पाप धोए गए हैं इस बात का सबूत बन गया तो मेरे पापों के लिए उसने मेरे दंड को पाया है लेकिन आज बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स लोग हमारे पापों को धोने के लिए यीशु के लहू के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है हम अच्छे काम करेंगे या पश्चाताप करेंगे प्रार्थना करेंगे दान देंगे सच में प्रचार करेंगे या फिर रात भर प्रार्थना करेंगे या फिर पहाड़ों की प्रार्थना करेंगे तो फिर स्वर्ग में जाएंगे ऐसा कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा क्या सिखाता है वो मेमने का जो लहू है जैसे दरवाजे के चौकट और अलांगनो पर लगाया गया मतलब इस घर पर पहले मृत्यु आ चुकी है इसलिए उस घर को पार करके चले जाते हैं तो ये मे नाम के इस घर में जब स्वर्गदूत आया मेरे मन में ल... का लगाया है। मैंने नाश होना चाहिए मैंने बर्बाद होना चाहिए पाप के कर मरना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहा कर वो मारा गया और उसने मेरे सब लगभग सभी पाप को खत्म किया है धोया है इसे विश्वास करने वाले लोग 예수의 님 피를 간직하고 외운 후해 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. मेरे पापों को धोने वाला यीशु का ही लहू है यीशु के लहू ने क्यों हमारे पापों को धोया है यीशु का लहू, वो उसने क्रूस पर मरकर उसने बहाया है। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया हमने जो सारे पाप का दंड पाना चाहिए था वो सारा दंड उसने पाकर रूख पर मारा गया इसलिए हमारे पाप खत्म हुए न्याय खत्म हुआ शाप खत्म हो गया इसलिए हम यीशु के लहू की ओर देखते हैं मैंने बहुत ज्यादा पाप किया झूठ भी बोला चोरी भी की वो यीशु का पर का लहूर उसको मेरी जगह पर मारा गया वहाँ पर मेरे पाप का न्याय खत्म हुआ वहाँ पर मेरे पापों का श्राप खत्म हुआ गया अभी मेरे पाप सर सुलझाए गए हैं पर खत्म हुए हैं इस बात पर विश्वास करना है लेकिन भ्रष्ट धर्म जो है वो ये से नहीं बल्कि मैंने कुछ करके ये करके वो करके बाइबल क्या कहती है के दो अध्याय में आठ वचन में क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन पर का दान है तो हम किस चीज के द्वारा उद्धार पाते हैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से अनुग्रह मतलब जो सेंत मुफ्त में दी जाती है ले जाना हमने पैसे नहीं भरे तो हमने पापों के लिए कोई दंड नहीं दिया क्योंकि मेरे पापों का सारा दंड यीशु ने दिया इसलिए यीशु ने हमारे पापों का न्याय सहन किया वो हमारे पापों के लिए मारा यीशु मसीह हमारे पापों की कीमत के लिए मारा गया और हमारे लिए बस अनुग्रही है हमारे लिए सारे काम उसने पूरे किया हमें कुछ नहीं करने के लिए बचा लेकिन एक चीज हमने करनी है दरवाजों के चौखट और लांगनों पर लहू को लगाना जरूरी है क्यों मांगी छिरा कि इस घर में से मृत्यु पार करके गई है जे जे जो दंड पापों का दंड मुझ तो पर चला गया मुने। तो मैंने भी मेरे मन के दरवाजे पर लहू लगाया हुआ है तो क्या माँ में फिर पासो कैसे अपने मन के दरवाजे को लहू लगाया बहुत सरल है जब यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाकर मारा गया वो मेरे पापों के लिए मेरे जगह पर मारा गया और उसने लोह बहाया जब हम प्रभु भोजन लेते हैं हम दाखरस पीते हैं। ये यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है जो उसने मेरे पापों के लिए बहाया और वो खाते हैं और फिर जो जो हम रोटी खाते हैं वो यीशु मसीह के देह को दर्शाते है जो मेरे पापों के लिए फाड़ी गई। तो मेरे पाप का न्याय क्रूस पर खत्म हो चुका है मैं ये रोटी खा रहा हूँ ये रोटी यीशु मसीह का देह है जो मेरे पापों के लिए मारा गया है मैं दाकरस पी रहा हूँ ये दाकरस यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है जो मेरे पापों के लिए बहाया गया है जिस पापों के लिए मैंने मरना चाहिए था ओ मेमना परमेश्वर का मेमना यीशु मारा गया और मेरे सारे पाप वहाँ पर खत्म हुए अब और नहीं रहे हैं तो और उसने मुझे धर्मी कहा जानने देने के लिए निर्गमन के बारह अध्याय में ये इसराइल जिन्होंने नाश ही होना चाहिए था उद्धार पाया मैं में गया था, था। में हमारे दो विद्यार्थी जो थे गए थे ये म्यूजिक स्कूल के विद्यार्थी थी वो दो विद्यार्थी बहुत अच्छे से गीत गाते थे क्यों है, एक दिन एक नेशनल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का दिन था तो उन्हें सोचा कि चलो इस ग्रेजुएशन सेरेमनी जाते हैं उनके लिए बधाई के लिए गीत गाएंगे तो ये जो विद्यार्थी थी ये उस यूनिवर्सिटी में गई उन्होंने कहा नमस्ते हम कोरिया के म्यूजिक स्कूल के विद्यार्थी हैं हम यहाँ पर वॉलेंटियर करने के लिए आए हैं हम म्यूजिक के द्वारा ऐसे सेवा करते हैं तो इसलिए आज बधाई देने वाले से गीत हम गाना चाहते हैं लेकिन वहाँ के इंचार्ज ने कहा नहीं क्यूँ इन खुन्नी त्यागी ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी है आज हमारे राजा यहाँ पर आने वाले हैं। एक राजा के राज्य के अधीन है तो उन्होंने कहा कल हमने पूरा प्रोग्राम बनाकर राजा को दे दिया है तो कोई भी इस प्रोग्राम को बदल नहीं सकता नहीं और तुम्हारा गीत गाना इस प्रोग्राम में नहीं है इसलिए तुम नहीं कर सकते ठीक हैं तो हम बस ग्रेजुएशन देख के चले जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति फिर से आया अब तक राजा नहीं आए हैं हाँ लेकिन बाकी के सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो फिर तुम थोड़ा गाना गाओगे यो। ठीक है मैं कितने गाने गाए तीन बस गाने गाओ तो वो दो लड़की अब आगे गई और वो गाना गाने लग गई आप देख सकते ने? वो गाना गाया नाना गायाल जब पहला गाना उन्होंने आधा तक गाया था तो राजा तब भी आ गए फिर राजा ऐसे सामने बैठ गए, जैसे उलाल आ, वो लाल कपड़े पहने राजा हैं वो हैं वो ये राजा है और राजा ने गाना सुनने के बाद ये ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म हो गया और फिर राजा जी ने कहा ये जो गीत गाने वाले जो लड़के थे उनको थोड़ा बुलाओ तो उनको बुलाया गया और वो राजा से मिले तुम कहाँ से आए हो और हम दक्षिण कोरिया से आए हैं तो कैसे हमारे देश के गाने इतने अच्छे से गाते हो नहीं हम संगीत की पढ़ाई करते हैं और इन बच्चों ने क्या कहा हमारे म्यूजिक स्कूल की स्थापना करने वाले जो पास्टर हैं, वो दस दिन के बाद में, में आ रहे हैं और सच में तो फिर राजा ने वहाँ के सेक्रेटरी से कहा आ, पार्क के आने के जो फ्लाइट है वो जान लो। और फिर एयरपोर्ट पे जाकर उनको लेकर आई तो मैं जब एयरपोर्ट पर पहुँचांग जो युवा मंत्री थे वो मुझसे मुझे पिकअप करने के लिए आए थे मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ जिससे मैं वी रूम में गया और उन्होंने सारी चीजों की देखभाल की और फिर मैं युवा मंत्री के साथ मिलकर राजा के पास गया तो हमेशा जब ये राजा से मिलते हैं मतलब समय पूछना चाहिए होता है साज़िकों साज़िकों क्योंकि अगर 40 मिनट का है तो 40 मिनट में खत्म करके आना चाहिए कितना समय मैंने पूछा उन्होंने कहा चालीस मिनट है मैं ठीक है मैं गया पे आगे राजा जी सामने बैठे हुए थे जो से तो सामने के फार्टक से जा राजा बैठे थे वहां पर लोगों को ऐसे घुटनों के बल जाना पड़ता था तो मैं भी जैसे घुटनों पर जाने के लिए गया वहाँ पर सेक्रेटरी कह रहे थे कि हमारा नियम यह है कि विदेशी जो है चलते हुए जाने चाहिए तो इसलिए हम जाकर राजा से मिले और उनसे बात की तो जैसे मैं राजा जी के साथ में बात कर रहा था और फिर दस मिनट बीत गए। कर रहे थे और हमने सुसमाचार प्रचार किया तीस मिनट प्रचार करने के बाद चालीस मिनट हो गए और फिर मैंने बातें खत्म की और राजा जी ने कहा कि पासर थोड़ा और प्रचार कीजिए मैं बहुत हुआ 30 तो मतलब तीस मिनट में पापा की क्षमा के बारे में बताना थोड़ा सा मतलब कम था तो और फिर से और तीस मिनट बात की एक घंटा मैंने वचन प्रचार किया तो राजा तो ऐसे बड़ी आंखों से मुझे देख रहे थे और सुन रहे थे मैं उनकी आंखों में नहीं देख पा रहा था मतलब उनकी आंखें दूसरी कहीं देखी नहीं रही थी तो फिर ऐसे खत्म हो गया राजा ने कहा कि पास एक और बार वचन प्रचार कीजिए तो तीस मिनट के लिए तीसरी बार मैंने वचन प्रचार किया तो मेरा मन बहुत छूलिया गया राजा जी के मन में वचन प्रवेश करने लगा उन्होंने उद्धार पाया पापो की क्षमा पाई तो तीस मिनट के लिए तीस बा, तीन बार प्रचार करने के बाद के राजा जी बोले पासर मुक्स नीम जोंगी पासर आप परमेश्वर के सच्चे दास है मैं आपको जमीन दूंगा। पर आप आई सेंटर तो इसलिए हमने सरकार से जमीन पाई लेकिन वो शहर में नहीं थी थोड़ी पहाड़ी इलाके में थी तो मैंने राजा जी से कहा हमारे विद्यार्थियों के पास गाड़ी नहीं है तो इसलिए बाहर आ, उनको जाना मुश्किल है तो इसलिए शहर में अंदर ऐसे कोई जमीन दीजिए प्लीजुता है असल में वहाँ पर सरकार की कोई जमीन नहीं थी राजा की व्यक्तिगत जमीन थी उन्होंने वहाँ पर पंद्रह एकड़ जमीन हमें दे दी तो मैंने जब जाकर देखा वो जमीन बहुत अच्छी थी और वहाँ के पहाड़ बहुत सुंदर थे तो मैंने उनसे कहा 진짜 전부 땅을 깎아 가지고 센터를 지으려고 했는데 또 मैंने सोचा कि उस जमीन को पूरा से सपाट बना के वहां पर सेंटर बनाएंगे। लेकिन वहां पर दृश्य बहुत ही अच्छा था नमूल काकी आकाप्ता हूं तो वहां पर के पेड़ बिल्कुल काटना ही नहीं चाहता था 3만 평을 주신 तो अगर आप 30 एकड़ जमीन हमें देते हैं क्योंकि इसको तो साल वहां पर के सारे जो दृश्य झाड़ियां है वो सब ऐसे रखे हैं और फिर उसके अनुसार हम बिल्डिंग बांधेंगे तो राजा जी ने तीस एकड़ जमीन दी है अभी वहाँ पर काम शुरू हो चुका है आ, उसके लिए पैसे लगते हैं लेकिन राजा ने कहा की पासरा आपका घर बांधिए तो जब कभी आएंगे तो आप होटल पे नहीं आपके घर पर रही है वो बहुत ऐसे परवाह कर रहे थे। तो एक बार राजा जी उनकी मां जो है कोरिया में सैमसंग अस्पताल में इलाज के लिए आए थे तो राजा जी उनकी मां आई थी उनके साथ में सत्तर लोग आए थे तो उन्होंने एक होटल पे किराया पे लिया और सभी लोग पैसे घुटनों पे थे और राजमाता वो कमरे के अंदर थी तो राजा जी ने मुझे देख कर उन्होंने कहा कि जाकर अब राजमाता की मदद कीजिए तो मैं जब जाने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ के कर्मचारी मुझे रोक रहे थे तो उस दिन मैं कहीं जा कर आया था बहुत देर से गया मतलब विदेश में ऐसे-ऐसे घूमते ऐसे ऐसा होता है ना। लेकिन सारे काम खत्म करके मैं गया और मैंने देखा की राजकुमारी वहाँ से जा रही है तो राजकुमारी को मैंने पुकारा तो उन्होंने मुझे पहचाना तो वहाँ पर ये जो एक राजदूत इंचार्ज थे तो मैंने कहा कि मुझे राजदूत से मिलने दीजिए तो मिला तो राजा जी ने मुझसे ये कहा कि राजमाता की थोड़ी देखभाल करें उनसे मुझे मिलना जरूरी है तो राजदूत ने कुछ भी नहीं कहा तब से बो, मैंने राजमाता को सुसमाचार भी प्रचार किया तो इस प्रकार से वो राजा के साथ अच्छा रिश्ता बन सका तो मैंने राजा जी से कहा राजा जी हमारे चर्च में बहुत ही माहिर डॉक्टर्स हैं। जो जुन ने को और डॉक्टर जो जो के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है और, और, ये, ये और फिर डॉक्टर मतलब वो आगे के दांतों को ऐसे ठोकने में बेहतर है सबसे बेहतर है दुनिया में जामे। और फिर किमसोन बहन और वो गैनकोलॉजिस्ट है ऐसे ऐसे पांच डॉक्टर लोगों को लेकर वहाँ पर उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए राजा जी बहुत खुश हो गए तो राजमहल में रहने वाले जो परिवार वाले हैं तो उन सब के लिए हमने इलाज किया हमने ये काम दो साल के लिए किया इस साल भी जाना था लेकिन इस साल कोरोना की वजह से नहीं जा सके तो राजू जी बस एल्डर भांग इनको कहते हैं ये जी, मेरी पल्स देखिए बिल्कुल एक जैसे दोस्त के जैसे बात करते हैं जो जो। और उन्हें बहुत सारी चीजें भी दी एसवा और एसवाटिन के सारे चर्चेस के जो पासर है वो राजा ऐसा कहते तो उन्होंने भी सुसमाचार सुना मैसेज है तो अभी थोड़े समय पहले हमने एक पास की गवाही भी सुनी जो स्वाति से थे वो बहुत धन्यवाद बात है तो इसलिए हम जितना चाहे उतना काम कर सके इसलिए उन्होंने सारे मार्ग खोल दिए तो जैसे राजा जी ने पापा की क्षमा के वचनों को सुना उनका मन बहुत छू लिया गया अगर एक बार राष्ट्रपतिओ से मैं मिलता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा चालीस मिनट मिलते हैं कम से कम बीस मिनट मिलते हैं इस बार जब मैं साउथ अमेरिका गया चार देशों के मैं राष्ट्रपति से मिला लगभग एक घंटे के लिए मैं जैसे बात कर रहा था वो सब मतलब समय समय दे सब पूरा सुन रहे थे और उन सब ने उद्धार पाया और फिर जब फर्नांडो लूगो राष्ट्रपति जी ने उद्धार पाया मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ था बेनेन के यही वो ही राष्ट्रपति उन्होंने भी उद्धार पाया वो कोरिया में आना चाहते थे कोरिया में उनको ले आने के लिए जब हमने सोचा तो ब्लू हाउस के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उन्होंने पूछा कि सिक्योरिटी का पैसा कौन भरेगा कितना पूछा कितना होगा सिक्योरिटी पैसा तो उन्होंने कहा कुछ दो करोड़ सत्तर लाख होगा तो हो। मैंने कहा राष्ट्रपति से आप मत ही आपका टर्म खत्म होने के बताइए क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए पैसे भरने के पैसे नहीं है हमारे पास और जैसे राष्ट्रपति आई बो उनका टर्म खत्म हुआ तो वो एक महीने, एक, एक हाँ तो तो तो। राष्ट्रपति कई बार वो हमारे यहाँ पर आए और वो उद्धार पाकर बहुत खुश हुए हम नहीं करते उधार करता करता है अगर हम अस्पताल में जाते हैं हम बीमारी को चंगा नहीं करते डॉक्टर करता है उद्धार में उद्धार करता एक है और उद्धार पाने वाला व्यक्ति है खुअन उद्धार करता जो है वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा हुआ यीशु मसीह को दर्शाता है हम उद्धार करता नहीं है बल्कि उद्धार पाना चाहिए ऐसे उधार पाने वाले लोग हैं हमने उधार पाने के लिए उधार पाने के लिए अगर हम काम करते हैं तो हम उद्धारकर्ता बनते हैं खुआ है तो इसलिए उधारकर्ता ने काम करना है हम तो उधार पाने वाले लोग हैं सर अंधेम उधार पाने के लिए हमने कुछ काम नहीं करना है हमने कुछ भी नहीं करना है बस ये ने की हुई चीज को रो फ विश्वास से स्वीकार करना है तो इसलिए जब हम कुछ करते हैं वो नकली उद्धार है सच्चा उद्धार क्या है पापों के धोना स्वर्ग में जाना खुआ ये सारी चीज यीशु मसीह हमारे जगह पर करते हैं वो उद्धार करता है

डाकू से घिर जाता है और वो अधमरा बन जाता है उस व्यक्ति को उधार पाने वाला व्यक्ति कहते हैं एक सामरी उसकी यात्रा के दौरान और वहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पर मजेदार बात क्या है परंतु एक साम्री यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की और दूसरे दिन उसने दो दिन निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर भर दूंगा तो यहाँ पर मजदार बात क्या है उद्धार करता एक है और उधार पाने वाला एक है हमें उद्धार देने वाला यीशु वो उद्धार करता है और हम उधार पाने वाले लोग हैं तो यहाँ पर बाइबल मजदार बात क्या है बाइबल बहुत सटीकता से लिखी गई है इसलिए क्या लिखा है वहाँ पर? इन ईरान तो इसलिए उद्धारकर्ता के तौर पर यह सामरी काम करता है और उधार पाने वाला ये डाको से घिरा व्यक्ति वो कुछ भी नहीं करता समझ में आया क्या हम उद्धार पाने वाले लोग हैं है। है, उसमें लोग कहते कि हमने कुछ करना है हमने दान देना है हमने प्रार्थना करनी है नहीं उद्धार हम नहीं करते हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमने। के दो है में। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है दान पाने के लिए कुछ पैसे देते नहीं और फिर क्या लिखा है और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उद्धार में अगर हम काम करते हैं तो वो उद्धार नहीं है पापों की क्षमा की सारी प्रक्रिया यीशु ने खुद की है तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं हमने अच्छे साम्री के समान करना चाहिए नहीं इसका अर्थ नहीं लगता हम उधार करता नहीं उधार पाने वाले हैं लोग हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये व्यक्ति डाकुओ से घिरा हुआ है अभी मर, मरने ही वाला है थोड़े समय के बाद सूरज ढलेगा सूरज ढलने के बाद में भीड़िए आएंगे और उसे खा खा कर वो मर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए बस लेटा ही रह सकता है जब यहाँ जब वहाँ से गुजरा मेरी थोड़ी मदद कीजिए बस ऐसे ही चला गया वो लेवी भी ऐसे ही चला गया लेकिन सामरी वहाँ आया एक सामरी अपनी यात्रा में उसे देखा सबसे पहले उस पर तरस खाया उसके पास आकर उसके गाँव पर तेल और दाकरस डाला पट्टिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की दूसरे दिन उसने दो दिन आर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर भर दूंगा दस चीजें उसने की उसमें वो डाको से घिरे व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया उद्धार मतलब पापों की शमा पाना पापों की क्षमा पाने के लिए हमारे लिए करने के लिए कुछ भी काम नहीं है अगर हम कुछ करके उद्धार पापों की क्षमा पाते हैं तो फिर वो अनुग्रह नहीं है।, आ, तो है हमने कुछ भी नहीं करना है बस सुनीम यीशु ने क्रूज पर मेरे सारे पापों को परिपूर्ण रूप से धोया है इसे बस मन से विश्वास करना है, इतना ही मन में विश्वास करना है ये कर्म नहीं है काम नहीं है हमारे कुछ करने से नहीं होता तो निर्गमन के बारह अध्ययन है फसल के पर्व के इस कहानी में उद्धार पाए लोगों ने क्या किया आ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने कुछ भी नहीं किया मारा गया। और उसका लहू दरवाजे के चौखट और लांगनों पे लगाया गया तो उस मैमने के लहू को देख कर वो पार चले गए दूध बस ऐसे पार चले गए वो पार गए हमारे मन में मेमने का लहू है मेरे मन में है जब भी मेरे मन में पाप की याद आती है यीशु मसीह मर कर मेरे पापों को उसने लहू से धोया है याद आता है बाइबल ऐसा कहती है लेकिन आज बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि उद्धार के लिए ये 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 करना जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं है वो आनंद उदाहरण में अगर हम हमारा हाथ डालते हैं तो समस्या बनती है क्योंकि वो अनुग्रह है अगर हम काम करते हैं तो वो अनुग्रह नहीं है काम करने वाले के लिए अक्सर इसकी मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है अगर हम कुछ काम करके पाते हैं तो अनुग्रह नहीं होता बल्कि हक होता है अनियल परंतु जो काम नहीं करता वरण भक्ति ही के हो ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है आमें। आमें। हमें क्या करना है पर मारा गया और हमारे सारे पापों का दंड उसने पाया है तो हमें करने के लिए कुछ भी काम नहीं रहा परिपूर्ण रूप से क्रूस पर उसने लहू बहाते हुए हमारे सारे पापों को धो दिया है सर्वदा के लिए और परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता तो इसलिए अभी पूरी दुनिया भर के क्रिश्चियनिटी ने बदलना जरूरी है अब तक तो बहुत सारे लोग खुद कुछ करके ये करके वो करके उद्धार पाने की कोशिश कर रहे थे उद्धार में हमने हाथ नहीं लगाना है नहीं क्या आप सोच पा रहे हैं हमने हाथ नहीं लगाना है हम हमने शिकागो एक बार शिकागो में शिकागो मेरा परिवार ऐसा शिकागो में गया था तो मैं थोड़ा गाड़ी चलाते हुए थक गया था मैंने मेरे बेटे को गाड़ी चलाने के लिए दिया आ, दे दे। तो समय मेरे बेटे ने बस थोड़े दिनों पहले लाइसेंस मिला था तो जा रहे थे हम मैं कुर्सी पर ऐसे लेट के सो रहा था। अचानक से, तो मतलब से बारिश आ रही थी और बिजली भी चमक रही थी तो आगे दिख नहीं रहा था कुछ तो मैंने कहा कि वो दाहिनी और के इंडिकेटर को लगा तो उसने लगाया और गाड़ी को दाहिनी ओर ले, ले लेना उसने लगा दी गाड़ी रोक देना देखा नीचे उतर जाओ मैं गाड़ी चलाता हूं मैं गाड़ी चलाते फिर गया अभी मेरा बेटा मुझसे कई ज्यादा बेहतर गाड़ी चलाता है लेकिन तो पहली बार गाड़ी चला रहा था तो जब जोर तार बारिश आई सामने कुछ दिख नहीं रहा था तो मैंने बहुत शांति से कहा दाइना इंडिकेटर लगाओ और गाड़ी को दाइनी और रोको और फिर और फिर इमरजेंसी लाइट ऑन करो और फिर और उतर जाओ पीछे आओ मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जब बारिश आ रही है और रास्ता खराब है तो जो से नहीं आती उसने गाड़ी नहीं चलानी है ना पापों की क्षमा का काम बेहतर होना चाहिए इसे शुरुआत से अंत तक ने ही काम करना है उसमें उसमे हमारे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए इसलिए हम पूरे पापों को धोया गया इस बात को मन में बस विश्वास करना उतना ही काफी है कह सकते आप तो मैंने कुछ तो बेहतर करके उद्धार पाई है नकली है यीशु जो उद्धार देता है उसमें हम कुछ नहीं करते, शु करते। शुरुआत से अंत तक बस यीशु ही काम किया होता है कभी वो सिद्ध उधार है जितना मेरा ज्यादा हाथ उसमें लगता है मेरे प्रयास जितने उसमें लगते हैं और वो मेमने ने मेमने ने लहू बहाया मारा गया और वो लहू को दरवाजा के लांगनों और चौखटों पे लगाया और हमारे पाप धोए गए वैसे यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया उसके लहू से हमने उधार पाया उसमें हमारे थोड़े भी प्रयास नहीं शामिल होने चाहिए यीशु अकेला पर्याप्त रूप से हमारे पापों को धो सकता है हमारे सारे पापों को सर्वदा के लिए उसने धो दिया और और महत्वपूर्ण बात क्या है परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को फिर और स्मरण नहीं करता दे के चौतीस वचन में आ, मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा यहोवा का ये वाणी है यहाँ पर मैं ये परमेश्वर है मैं मैं खुद नहीं हूँ पाप को कौन धोता है परमेश्वर यीशु क्षमा करता है हम जब करते हैं तो गलत ही कर सकते हैं इसलिए पहले ही क्रूस पर उसने हमारे पापों को क्षमा किया है तो मेरे पाप क्षमा हो विश्वास करके तो आपके मन में आप अपने आप को पापी मत कहिए मैं पापी था लेकिन प्रभु ने मेरे पापों को पूरा धोया मैं शुद्ध हूँ मैं आशा करता हूँ आप विश्वास करोगे आइए हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं हम तो ऐसे हैं जो पाप के कारण नाश और शापित होने चाहिए थे यीशु आए और यीशु हमारे लिए पर मारा गया वो काम सामने। और पाप धोए इसलिए बहुत धन्यवादित धन्यवाद आज शाम को वचन सुनने वाले हर एक पर आपका अनुग्रह आने दीजिए प्रभु आप आशीष दीजिए हमारे लिए उसने लहू बहाया और पापों को धोने वाले ये प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमें उद्धार देने वाले प्रभु की स्तुति करते महिमा करते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमेन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद